बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असद उल्लाह खान हूँ। ये तो आप जानते ही हैं कि 24 नवंबर की तारीख पीटीआई की तरफ से सामने आ चुकी है, पीटीआई की तरफ से नहीं बल्कि इमरान खान की तरफ से सामने आ चुकी है। और इमरान खान साहब ने जो कुछ दिन से कह रहे थे कि वो फाइनल कॉल देने जा रहे हैं, उन्होंने कॉल दे दी है। उसके मुतालबात भी हमारे सामने आ चुके हैं और उन मुतालबात में जो सर फहरिस्त है वो मैंडेट की वापसी है कि जो मैंडेट चोरी किया गया उसकी वापसी, और उसके साथ साथ वो असीरान जिन्हें बेगुनाह कैद रखा गया है और उन पर आज तक उनका ट्रायल भी नहीं हो सका, उनके मुकदमात का खात्मा और उनकी रिहाई, और इसके साथ साथ 26वीं आईन तरमीम का खात्मा। ये तीन निकाती एजेंडा है, ये तीन निकाती मुतालबात हैं जो हुकूमत के सामने रखे गए हैं। ये मुतालबात हुकूमत के लिए मानना मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर हुकूमत ये मान गई कि हम मैंडेट वापस कर रहे हैं, तो मैंडेट वापस करने का मतलब तो हुकूमत का खात्मा है। तो कौन सी हुकूमत अपने खिलाफ आपके मुतालबात मान के अपनी हुकूमत आपको दे देगी? जाहिर है ये कोई रजामंदी से तो नहीं करेगा, लेकिन जो तहरीर इमरान खान ने लिखी है वो बड़ी दर्द दिल के साथ लिखी गई है। तभी मैंने लिखा कि खून जिगर से लिखी तहरीर जो है वो लोगों के दिलों से जा टकराई है, क्योंकि इसमें दर्द दिखाई देता है, इसमें अपील दिखाई देती है, इसमें कौम को जगाने के लिए खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल दिखाई देता है। इमरान खान ने जो तहरीर लिखी है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। वो कहते हैं अडयाला जेल से कौम के नाम पैगाम में, मेरे पाकिस्तानियों, मैंने जितना हो सका मुल्क को कौम की खातिर हर कुर्बानी दी और इंशाल्लाह खून के आखिरी कतरे तक आपकी हकीकी आजादी के लिए लड़ता रहूंगा। देखिए पहले ही जुमले में, और ये इस जुमले की बुनत इस तरह से है कि कोई एहसान मालूम नहीं होता, बल्कि मालूम होता है कि वो याद दिला रहे हैं कि देखें मैं आपकी खातिर खड़ा हूं, मैं आपकी खातिर लड़ा हूं और मैं आपकी खातिर जेल काट रहा हूं। वरना ये बात सब जानते हैं कि इमरान खान के पास डील का रास्ता भी था, मुल्क से भाग जाने का रास्ता भी था, जिला वतनी का रास्ता भी था। वो रास्ता था जो पिछले 30-35-40 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे सियासी कुवतें, हमारे सियासतदान, सियासी लीडर्स इस्तेमाल करते हैं। कभी बेनजीर जिला वतन हो गई, एक मरतबा नहीं एक से जायद मरतबा। कभी नवाज शरीफ जिला वतन हो गए, एक मरतबा नहीं एक से जायद मरतबा। जिस पर मुश्किल आती है वो मुल्क से बाहर भाग जाता है, और ये रास्ता क्या इमरान खान को नहीं आता था? लेकिन वो खड़े हैं तो जाहिर है वो अपने लिए नहीं खड़े हैं। इमरान खान वो कह रहे हैं कि मैं आपकी हकीकी आजादी के लिए लड़ता रहूंगा, यानी लड़ रहे हैं तो आपकी हकीकी आजादी के लिए। फिर उन्होंने लिखा कि लेकिन ये जंग सिर्फ इमरान खान की नहीं है, कौम की है। अगर हम आज इस जुल्म और सितम के खिलाफ खड़े ना हुए तो हमारी आइंदा नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। जमहूर की ताकत से जुल्म के निजाम के खात्मे का वक्त आ पहुंचा है। इंशाल्लाह आज मैं एहतजाज की फाइनल कॉल दे रहा हूं, 24 नवंबर को आप सब ने इस्लामाबाद पहुंचना है। अब ये जो इमरान खान ने अपील की है कि आज वो ये समझते हैं कि आज वो मौका है कि जब राह हमवार हो चुकी है, और पहली मरतबा इमरान खान को लगता है कि मुल्क में पिछले कई दहाइयों में ये पहली मरतबा ऐसा माहौल बन गया है कि पूरी कौम एक तरफ खड़ी है, पूरी कौम एक नजरिए पर खड़ी है, यह पूरी कौम का एक वाज़ेह नुक्ता नजर है। और वो 8 फरवरी को जो उन्होंने फैसला दिया था वो बड़ा वाजे था। वो अगर सही इलेक्शन होते जिस तरह से होने चाहिए तो ये वाजे 2/3 अक्सरियत थी जो इमरान खान को मिली है, तो एक वाजे मैंडेट था जो इमरान खान को मिला। तो बहरहाल वो कहते हैं कि जी ये इस वक्त एक ऐसा माहौल हो चुका है कायम मुल्क में कि अवाम बाहर निकलें और इनकलाब बर्पा कर दें। फिर वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए 10 साल के लिए गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा दिया गया है, मुल्क में बोगस पार्लियामेंट, बोगस वजीर आजम, बोगस सदर और बोगस जमहूरियत है। इस वक्त जनरल मुशर्रफ से ज्यादा खौफनाक डिक्टेटरशिप कायम है। कानून की बालादस्ती, जमहूरियत की आजादी और मुल्क के मुस्तकबिल को खत्म कर दिया गया है। जो हालिया कानून साजी हुई है, इस हालिया कानून साजी में जिसमें आर्मी चीफ की मुद्दत 5 साल की गई है, और उसके अलावा हुकूमत ने जिस तरह से अदलिया को कंट्रोल कर लिया है, तो इमरान खान को लगता है कि 10 साल के लिए गैर एलानिया मार्शल लॉ लग गया। फिर वो कहते हैं कि अपने सहूलतकारों की मदद से मैंडेट चोरी करके मुल्क पर काबिज माफिया के जेर इंतजाम जारी फिस्तायत के निजाम, आइन और कानून और अदलिया पर मुसलसल हमलों, हमारे बेगुनाह लोगों को जिंदान में डालने वाली जाली हुकूमत को बताना होगा कि कौम को यह सब नामंजूर है। फिर वो कहते हैं नवंबर के एहतजाज की क्यादत तहरीके साहब, हाँ ये अब हिकमत अमली पर मुश्तमिल पैराग्राफ्स हैं जिसमें वो कहते हैं कि नवंबर के एहतजाज की क्यादत तहरीके साफ की लीडरशिप करेगी। मैंने पार्टी रहनुमाओं को जामे एहतजाजी प्लान दे दिया है,
ये नहीं कहा इमरान खान ने कि मैंने उनसे कहा है कि जामे एहतजाजी प्लान बनाएं। इमरान खान कहते हैं कि मैंने एहतजाजी प्लान दे दिया है। इसका मतलब है जेल में बैठ के इमरान खान एहतजाज का प्लान बना रहे हैं और बड़ी बारीक भी नहीं से एक प्लान बना के उन्होंने अपनी पार्टी लीडरशिप के हवाले कर दिया है और कह दिया है कि ये है प्लान। यानी पिछली मरतबा 4 अक्टूबर को जो कमियां रह गई थी जिसमें एक क्योस की सूरत हाल यानी क्वेश्चन मार्क्स थे कि अब क्या करना है, धरना देना है या एहतजाज खत्म करना है। अली मिनगंडापुर एहतजाज खत्म करके चले गए, पार्टी ने ऐलान किया कि नहीं एहतजाज तो जारी है, टोलियां रात में किस वक्तन फवक्तन निकलती रहीं। तो एक ऐसी सूरत हाल थी गैर यकीनी की जिसमें कुछ पता नहीं था। इस मरतबा इमरान खान ने कहा है कि मैंने पार्टी को जामे एहतजाजी प्लान दे दिया है, मैंने एक कमेटी तश्कील दी है, एहतजाज को लीड करने और खत्म करने का इख्तियार इस कमेटी के पास होगा। अब ये कमेटी किन अफराद पर मुश्तमिल है? पार्टी लीडरशिप कह रही है कि हम इन अफराद का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि अगर हमने नाम बता दिया तो फिर ये लीक हो जाएगा और उनके ऊपर क्रैकडाउन हो सकता है, उनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि जी हम नाम नहीं बताएंगे कि कौन लोग हैं जिनको जिन पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई है। एहतजाज को लीड करने और खत्म करने का इख्तियार इस कमेटी के पास होगा। मुजाकरा जब करने होंगे जिससे भी करने होंगे, हैंडलर्स जिस किसी को आगे करेंगे हमारी कमेटी उनसे मुजाकरात करेगी। यानी अगर हुकूमती को मुजाकरात के लिए आएगी कमेटी तो फिर हम अपनी कमेटी को इस कमेटी को भेजेंगे। मैं अपनी पार्टी की आदत को यह हिदायत करता हूं कि एहतजाज की जामे मनसूबाबंदी करें और अपने हल्के के लोगों को इस हवाले से मुकम्मल आगाही देकर एक भरपूर लेकिन पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार करें। अब ये जोर दिया गया है पुरअमन एहतजाज पर, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि ये पुरअमन एहतजाज नहीं है। बावजूद इसके कि तहरीके इंसाफ कह रही है कि पुरअमन एहतजाज है, वो कहते हैं नहीं जी, अली मिनगंडापुर ने तो तकरीर कर दी थी कि मरने मारने की बातें करती थी और कफन बांधने की बात करती थी और जनाजे पढ़ने की बात करती थी, तो इसलिए चूंकि ये पुरअमन एहतजाज नहीं है तो इनको इजाजत नहीं दी जा सकती, इजाजत भी नहीं देंगे और क्रैकडाउन भी करेंगे। तो इमरान खान ने कहा कि ये पुरअमन एहतजाज है जहां ये एहतजाज पार्टी लीडर्स, मेंबरान असेंबली, टिकट होल्डर्स, नाजमीन और सूबाई और मकामी तंजीमों का इम्तहान है, वहीं ये हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले आम आदमी का भी इम्तहान है। मैं हर तबके बशमूल अपने कारोबारी तबके, सिविल सोसाइटी, कानूनी बरादरी, किसानों, रेड़ीबानों, तनख्वाहदार तबके से कहता हूं कि इस्लामाबाद पहुंचे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है क्योंकि इमरान खान को लगता है कि कोई तहरीक तभी कामयाब होती है जब उसमें अवाम की शमूलियत होती है, सिर्फ पार्टी कारकुनों की नहीं, अवाम की शमूलियत, हर तबका फिक्र के लोग निकलते हैं। और हमने देखा कि जब इमरान खान की हुकूमत गई थी, पीडीएम की हुकूमत आई थी, तो जो पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे हो रहे थे F9 पार्क में, लिबर्टी चौक में, मुख्तलिफ मकामात पर, वहां पर लोग जो हैं वो फैमिलीज के साथ निकलते थे। हमने अपनी आंखों से देखा कि 3-3 नस्लें इकट्ठी खड़ी थी, दादा, बेटा, बहू, पोते, पोतियां, तो इकट्ठे लोग निकला करते थे और कहते थे कि हम पूरा खानदान आए हैं। तो फैमिलीज आ रही थी, रेडी बान भी आते थे, मुख्तलिफ तबका फिक्र से आते थे। तो अब इमरान खान ने यह अपील की है सिविल सोसाइटी, कानूनी बरादरी, किसान, रेड़ी बांध, तनख्वाहदार तबके से सबसे कहता हूँ कि साबत पहुंचे। मेरे नौजवानों और तलबा जिनका मुस्तकबिल बिलखसूस दाव पर है, उनको ये हिदायत देना चाहता हूं कि आपने इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। अपने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी मेरा ये पैगाम है कि कौम के मुस्तकबिल खातिर दुनिया भर में एहतजाज का हिस्सा बने और पार्टी की फंडिंग में भी भरपूर हिस्सा लें ताकि एहतजाज हो सके। मुझे अपने कौम पर मुकम्मल भरोसा है और मैं ये पेशगोई कर रहा हूं कि 24 नवंबर को पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचेगा और अवाम का समंदर हर रुकावट और कंटेनर को बहा ले जाएगा। उस दिन यक जबान होकर पूरी कौम के यही मुतालबात होंगे कि 26वें आइन तरमीम का लजम करार देकर आइन को अपनी पुरानी हालत में बहाल किया जाए, चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए और बगैर ट्रायल गिरफ्तार सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मेरे पाकिस्तानियों, अब की बार हमने अपने मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं लौटना। ये आखिरी जो लाइन है ये बता रही है कि ये एक धरना है। वापस नहीं लौटना का मतलब है कि फिर हम धरना लेके बैठेंगे और फिर ये जो बगैर ट्रायल के गिरफ्तार सियासी कैदी कौन है? देखिए इसमें बहुत सारे लोग हैं, 20 लोग हैं और चुनिंदा लोग इनमें कौन है? डॉक्टर यास्मीन राशिद, ट्रायल ही नहीं हुआ, गिरफ्तार है, अभी तक अंदर है, ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ उनका, उनका रिकॉर्ड ही पेश नहीं हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद है, उमर सरफराज चीमा है, एजाज चौधरी हैं, मियाँ महमूदुर रशीद हैं, फिर जो शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार रखा गया है। तो ये वो तमाम लोग हैं जिनको बगैर ट्रायल के गिरफ्तार रखा गया है और इनके खिलाफ अभी तक कोई इनकी जमानत का केस भी नहीं चल रहा क्योंकि पुलिस ने इनका रिकॉर्ड ही मुहैया नहीं किया।
तो इसलिए इमरान खान समझते हैं कि हमने इस दफा लौटना नहीं है, वापस आना है पूरा इस्लामाबाद। अब इस धरने की या इस एहतजाज की कामयाबी का दारोमदार इस बात पर है कि कितने लोग इस्लामाबाद पहुंचते हैं। अगर तो 5-10 हजार बंदे होंगे या 15-20 हजार बंदे पहुंचने दिए जाएंगे तो फिर तो ऑब्वियसली आंसू गैस की शेलिंग होगी, रात भर चलेगी, दिन भर चलेगी, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वाकई पाकिस्तान भर से लोग इतने बड़े काफले आ गए कि 20-20 हजार के काफले एक एक रीजन से आ रहे हुए और कोई 2-3 लाख लोग जमा हो गए, तो जाहिर है उनको ना फिर रोकना मुमकिन है, ना उनको पुलिस की थोड़ी सी नफरी रोक सकती है, ना ही वो लोग जो हैं वो उनको रुकावटें डाली जा सकती हैं, वो फिर पहुंच जाते हैं लोग और आके बैठ जाएंगे, तो फिर जाहिर है मुतालबात कामयाब होने के इम्कान होंगे। इमरान खान यही सोच रहे हैं कि शायद इस मरतबा ऐसा ही होगा कि मसलन कराची से 20 हजार लोग आ रहे हैं, मसलन सखर से 15 हजार का काफिला आ रहा है, मसलन बलूचिस्तान से आ रहा है, गुजरांवाला से आ रहा है, फैसलाबाद से लीडरशिप निकाल के ला रही है, तो और इतने लोग तो निकाले जा सकते हैं एक एक शहर से। मसलन अगर फर्ज करें कि हर MNA MPA कोई 500-1000 बंदा साथ लेकर निकले, तो मेरा ख्याल है कि इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो इमरान खान यही सोच रहे हैं कि शायद कि इस दफा अगर लाखों लोग निकल आएंगे तो एहतजाज कामयाब हो जाएगा और मुतालबात फिर मंजूर हो सकते हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग के यानी शहबाज शरीफ के दरमियान जो एक नाराजी चल रही है उसका खुल्ला खुला इजहार कर दिया गया है। मुर्तजा वहाब साहब, उन्होंने कहा है कि जी बिलावल भुट्टो जो है उनको ये यकीन दहानी कराई गई थी कि जुडिशियल कमीशन में पीपल्स पार्टी के 2 लोग होंगे, इसीलिए एक नाम बिलावल का भी दिया गया था, लेकिन बाद में हुकूमत मुकर गई, अपने वादे से फिर गई और बिलावल साहब ने नाराज होकर अपना नाम वापस ले लिया और अब वो शहबाज शरीफ से नाराज हैं। ये वाजे तौर पर कहा है मुर्तजा वहाब साहब ने, और वो कहते हैं कि बिलावल शहबाज शरीफ से नाराज हैं, वादा खिलाफी पर नाराज हैं। अब कुछ वादा खिलाफियां पीपल्स पार्टी ने मौलाना के साथ की हैं, कुछ वादा खिलाफियां शहबाज शरीफ ने बिलावल के साथ की हैं। बहरहाल ये वादा खिलाफियां हुई हैं और बिलावल को बड़ी उनसे काम लेकर तरमीम करा के जुडिशियल कमीशन बनवा के और बिलावल का नाम उसमें से निकाल दिया गया, और जाहिर है इस पर हर्ट हुए बिलावल। अब बिलावल कुछ कह तो सकते नहीं है क्योंकि वो पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, बगावत तो कर नहीं सकते, लेकिन बहरहाल नाराज जरूर हो गए हैं कि आपने वादा खिलाफी की है और मेरा भरम नहीं रखा और मुझे जो है वो जो मुझसे वादा किया था वो पूरा नहीं किया। अच्छा, एक और खबर आज डॉन में छपी हुई है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि हुकूमत ने अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन हुए, और वो इलेक्शन जो है वो उसकी इससे पहले खबरें थी कि जी पैसा चला और बेशुमार चला है और लोग खरीदे गए हैं, बार्स को खरीदा गया है। अब डॉन में खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के मराद में भारी इजाफे के बाद नून लीग की हुकूमत ने वुकला तंजीमों के लिए करोड़ों की ग्रांट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग की पंजाब हुकूमत ने लाहौर बार एसोसिएशन को 3 करोड़ की ग्रांट दी है, शेखुपुरा और हाफिजाबाद बार को 50-50 लाख की ग्रांट फराहम की गई है हुकूमत की तरफ से। किस कौन से पैसे हैं ये? मेरे और आपके पैसे हैं, मेरे और आपके पैसों से वुकला को ग्रांट्स दी जा रही हैं ताकि किसी भी वुकला मूवमेंट को रोका जा सके, बार्स को मुट्ठी में किया जा सके और इनको खरीदा जा सके, कोई मूवमेंट ना बन सके। अगर बार्स कंट्रोल में होंगी तो अदालत भी कंट्रोल में होगी, अगर बार्स कंट्रोल में देंगी तो अदलिया भी कंट्रोल में नहीं रहेगी। इसी तरह से पंजाब हुकूमत की जानिब से फिरोजवाला बार और पिंडी भटिया बार को 25-25 लाख रुपए की ग्रांट मुहैया की गई है। तो करोड़ों लाखों मुख्तलिफ बार्स को मुख्तलिफ तरह की रकम जिसकी जितनी इस्तात है और उसको उस तरह से दी गई है। आला अदलिया के जजेस की मराहत में भारी इजाफा और वकला तंजीमों को करोड़ों की ग्रांट्स उस वक्त दी गई हैं, जिस रिपोर्ट में लिखा है कि जब हुकूमत IMF के आदाब पूरे ना करने की वजह से रेवेन्यू में इजाफे के लिए नए इकदाम पर गौर कर रही है। यानी एक तरफ हुकूमत को अपने रेवेन्यू में इजाफे का मसला दरपेश है, दूसरी तरफ हुकूमत के पास जो है वो फंड्स की कमी का भी सामना रहता है, हालात भी मुल्क के ख़राब हैं मुआशी तौर पर, IMF की शराइत भी हैं, लेकिन आप करोड़ों रुपया वकला में बांट रहे हैं क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है आपकी हुकूमत की बका के लिए, हुकूमत होगी तो कारोबार चलेगा, तो ये इन्वेस्टमेंट है, ये पैसे ज़ाया नहीं कर रही हुकूमत, अपनी बका के लिए पैसे खर्च कर रही है। तो ये थी जी अब तक की कुछ अपडेट्स, मज़ीद बातें फिर अगली वीडियो में होती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।